एक महीना हो चुका है जो घटना 29 सितंबर को जो घटी थी। मर्डर किया गया है, ना सिर्फ मर्डर बोलूंगा उसको, मैं बोलूंगा प्लान मर्डर किया गया है। यह मुद्दा कोई छोटा नहीं है, टोयोटा कंपनी के प्रीमाइसिस के अंदर एक खून हुआ है। एक बात पूछ लेते तो मुंबई शहर एक बहुत बड़ा कॉस्मोपॉलिटन शहर के नाम से मशहूर है, ये शहर जाना जाता है लोगों की मदद करने के लिए। उस मुंबई शहर के बीचों बीच एक कंपनी ने किसी को मार दिया जाता है, उस कंपनी में काम करने वालों लोगों की इंसानियत कहाँ गई थी? तो ये दादरी की जो घटना 28 तारीख को हुई थी, जिससे पूरा देश चौंक उठा था, जिससे पूरी देश की राजनीति में एक परिवर्तन आया है, उसी किस्म की घटना हमारे खुद के शहर में हुई है। मगर जो दादरी एक छोटा गांव की घटना एक राष्ट्रीय खबर बन गई, मगर मुंबई में होने वाली घटना मुंबई तक की वो आवाज नहीं बन पाई। मगर इतना आसान है किसी को भी मार देना, इतना आसान है इंडिया में तो हर एक जन किसी को भी मार दिया जा सकता है ना। किसी भी सेफ नहीं, कोई इंसान सेफ नहीं इस दुनिया में। पुलिस का सपोर्ट हमें चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। टोयोटा कंपनी से सिर्फ इतना कहूंगी, हमें पूरी इन्वेस्टिगेशन का मौका दो, री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम समझ रहे हैं कि ऊपर से बहुत दबाव है कलाचौकी पुलिस स्टेशन पे, मगर हमारा कलाचौकी पुलिस स्टेशन से रिक्वेस्ट है कि न्याय करो ये परिवार के साथ। ये हमारी आपा, हमारी बड़ी बहन है शाफिया, आज MSc बोटी करी है। शाहजाद जो उनका बेटा है, ये हमारे साथ जो है वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। ये परिवार मेहनत करके लिख पढ़ कर आगे बढ़ना चाहता है। हमें बताया जाए कि CCTV कैमरा उस वक्त क्यों बंद था, क्यों अभी भी वो बंद है। मैनेजमेंट हमसे मॉर्निंग से इवनिंग तक झूठ क्यों बोला गया है। वो हॉस्पिटल में कुछ बोलते हैं, घर पे फोन करके कुछ बोलते हैं, और उनकी बातें पुलिस तक जाती है। पुलिस हमें बोलते हैं कि 3 लाख रुपए ले लो, 3 लाख लेके हम क्या कर रहे हैं? हमारे फादर ला कर दे दो ना, हमारे फादर हमें दे दो, हमें 3 लाख नहीं चाहिए, हमें जस्टिस दिला, हमारे फादर ला, हमारे फादर 100 साल जाएंगे। और उर्दू मीडिया ने फिर भी उसको उठाने की कोशिश की। फाइनली एक वेबसाइट ने उस पर लिखा, सुजन इब्राहिम जो वकील है हमारे साथ है, उन्होंने सवाल को उठाया, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी, 3 संगठन साथ में आए, हम लोगों ने आपा के साथ बात की, उनके बच्चों के साथ बात की। जो व्यक्ति आपस में मस्करी कर रहे थे, ये भी मस्करी क्या चीज है? नंबर 1 कि टोयोटा कंपनी और पुलिस दोनों इसको पूरा दबा रही है, और जो CCTV कैमरा थे, एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी है जिसमें साफ सफाई, जिसमें टेक्नोलॉजी, जिसमें बहुत सारी बातें हमको बोली जाती है, वो बेसिक CCTV कैमरा उसी जगह के गायब है कि जिस किस्म से ये मर्डर करवाया गया है। पहले जो कहानी है परिवार को बोली गई, और 5 घंटे के बाद ये कहानी बदली गई, और हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, हमारे फैक्ट फाइंडिंग के दौरान जो तथ्य हमारे सामने आए, वो खुद पुलिस ने दर्ज नहीं किए, जहाँ तक कि परिवार ने उसको लिखित में लिए, उसके बावजूद ना वो चार्जशीट ना वो FIR में, वो सिंपल बातें पुलिस के सामने आ रही है जो हमारे सामने आ चुकी है। ये पूरा जो नफरत और भय का वातावरण, जहाँ आम हिंदू और आम मुसलमान, आम ईसाई, आम सिख को अलग रखकर इस सरकार ने बांट दिया है, उसके कारण इस किस्म की हेट क्राइम्स हमारे देश में बढ़ रही है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि ये एक परिवार का सवाल नहीं है, ये सिर्फ एक मुंबई का सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है। साथियों, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सिर्फ याकूब शेख का मर्डर नहीं है। दादरी में अगर अखलाक अहमद को घर में घुस के मार दिया जाता है तो सिर्फ अखलाक अहमद का मर्डर नहीं है। अगर उड़ीसा में किसी चर्च के पादरी को जिंदा जला दिया जाता है तो सिर्फ उस पादरी का मर्डर नहीं है। अगर फरीदाबाद में कुछ दलित बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है तो सिर्फ उन बच्चों का मर्डर नहीं है। आप समझिए ये पूरे हिंदुस्तान का कत्ल हो रहा है, आप समझिए कि पूरे हिंदुस्तान को मारा जा रहा है, आप समझिए कि पूरे देश के वातावरण को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये सब करके एक भय का माहौल बनाया जा रहा है, एक डर का माहौल बनाया जा रहा है, लोगों के बीच में दूरियां फैलाई जा रही हैं, नफरत फैलाई जा रही है। हमारी ये लड़ाई ना सिर्फ याकूब शेख के लिए है बल्कि उन दूरियों के खिलाफ है। हमारी ये लड़ाई उन नफरतों के खिलाफ है। हमारी ये लड़ाई उन सियासतदानों के खिलाफ है जिन्होंने भारत देश को बांटने का जिम्मा अपने कांधों पे लिया हुआ है। भारत ये गांधी जी का देश है, ये संविधान बाबा साहेब अंबेडकर का है, ये गोलवलकर और सावरकर और उद्धव ठाकरे का देश नहीं है। ये देश चलेगा बाबा साहेब अंबेडकर, भगत सिंह, गांधी जी, मौलाना आजाद जिन्होंने शहादत दी, वो उनके बुनियाद पर चलेगा। ये है 3 बच्चों का बाप, अपने बेटी का उस दिन जन्मदिन,
जिस दिन अपनी बेटी का जन्मदिन का दिन एक रात पहले जिलेबी मिठाई का डब्बा लाके अपना बेटी का मुंह मीठा करके सुबह काम के लिए निकल गए ये कहते हुए बेटी में शाम को आके हम पार्टी मनाएंगे, जोरदार हम लोग खुशी मनाएंगे और वो पिताजी वापस ले आते हैं, क्या ये मस्करी का उम्र है? हमारे फादर क्यों नहीं जी सकते? हमारे साथ इनका हक नहीं था जीने का, ये लोग ने इतना आसानी से मार दिए। और आप इसको करने देंगे तो कल चल के किसी का भी जान का भरोसा नहीं है। मालिक का जवाबदारी है प्रभु, कोई भी जब भी एक्सीडेंट होता है तो कोई साथ में काम करने वाले को अंदर नहीं डालता है। सोचो तो जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी यदि चाहते हैं, यदि सोचते हैं लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना, तो पहला वो घटना का जो हकीकत है उसको सामने लाना चाहिए, ना हमारे जैसे न्याय मांगने वाले के पीछे इतना बड़ा फोर्स को खड़ा करना, इसको न्याय नहीं बोलते है। कोर्ट में जब खड़े रहोगे तो तुम्हारे साथ में कोई प्रूफ होना चाहिए कि उनको मारा गया है, कंपनी वालों ने ये किए। हम इसको एक कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं क्योंकि टोयोटा कंपनी है। क्या ये कंपनी इतना बड़ा है कि मजदूर का जिंदगी के साथ इस तरह के खिलवाड़ खेल सकते? ये समझो कि ये कंपनी और करने वाले जो किया है, ये गुना जो किया है वो कल ये समाज में उतर के क्या नहीं करेगा। आज ऐसा हो गया ये कोई किसी को घर में घुस के कहीं पे भी मार ले, किसी गाड़ी में मीट रख दिया जाए और उसको मार लिया जाए, कोई ईद के बाद घर किसी जगह काम करने जाएगा तो उसको पूछा जाएगा गोश्त खाया था, तेरा गोश्त हम खाते है, ये इस देश में चलेगा नहीं। पूरा ही सिस्टम सुन ले कि ये सवाल कब पूछा जाएगा कि वहाँ मौजूद लोग क्या कर रहे थे। आप बोलते हो मजाक मस्ती, मजाक मस्ती में किसी की जान ली जाती है? कोई भी आदमी जिसमें जरा सा भी जहन है, क्या वो इस बात को मानने के लिए तैयार है कि ऐसी मजाक मस्ती हो सकती है कि जिसके जरिए किसी को पाइन दे उसका मर्डर कर दिया जाए, उसकी जान ले ली जाए और वहाँ मौजूद उस स्टाफ में 30, 40, 50 पता नहीं कितने लोग स्टाफ होंगे, एक आदमी पढ़ के उसको बचाने के लिए नहीं आता, कि किस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है इस देश में। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा था? हम लोग जब गए अंदर सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं वो दरवाजे के पास बगल में, वो सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा था? मुंबई पुलिस के नाम पे एक कलंक लग रहा है, वो सवाल कब पूछेगी इस कंपनी के मालिक से? एक कंपनी में किसी को मार दिया जाता है, उस कंपनी के मालिक को कब गिरफ्तार करेगी बंबई पुलिस? वरना हम ये बोलने पे मजबूर हो जाएंगे कि उस कंपनी के साथ साथ पुलिस भी इसमें शामिल है। भाई को याकूब शेख की फैमिली को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, जबकि देश के हर एक इंसान को इंसाफ नहीं मिल जाता, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कम से कम इस सरकार में जिस तरीके की सरकार सेंटर में और महाराष्ट्र में चल रही है उससे हम लोगों को उम्मीद नजर नहीं आती। सीसीटीवी गायब क्यों है? जवाब दो मैनेजमेंट, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। एक वेटरन मर्डर को मस्करी का नाम देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। री इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार है। Yeah, I'm going to go. Second job.